अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं दाल मखनी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये सबको पसंद आती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए हमने आधे किलो के करीब काली वाली दाल को भिगो के रख दिया था और साथ ही साथ एक मुट्ठी भर हमने राजमे को भी भिगो के रख दिया था। अब दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से धो लेना है और इसके बाद हमने प्रेशर कुकर में डाल के अच्छे से गला लेना है। राजमा भी हम इसी के साथ ही ऐड कर देंगे। अगर आप राजमा नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह एक मुट्ठी भर चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसके साथ राजमा ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें राजमा ऐड कीजिएगा। अब इसमें हमने पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख देंगे। दाल हमारी जब तक गलती है तब तक हम इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने 4-5 चम्मच के करीब देसी घी ऐड कर देना है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से तड़कने देंगे। 1 चम्मच भरकर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और दोनों को अच्छे से भून लेंगे। उसमें हमने टमाटो प्यूरी ऐड कर देना है। हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसको पीस के इसकी एक प्यूरी तैयार कर ली है। अब इसमें 1/2 चम्मच भरकर हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच भरकर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। मिर्ची की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से, तीखे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक ऐड करेंगे हसबे जायका और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारी दाल भी बहुत ही अच्छे से गल गई है। बस एकदम से हमने इसे गलाना नहीं है, हल्का सा इसमें दानेदार रखना है, एकदम से पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। देखिए दाल भी हमारी तैयार है, अब इसको हमने हमारे तड़के में डाल देना है। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही आसान तरीका है दाल मखनी का और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। अब इसमें हमने कसूरी मेथी ऐड कर देना है हाथों से क्रश करके। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कप भरकर हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और फिर सबको अच्छे से पकने देंगे। देखिए कितने लाजवाब दाल मखनी, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसी ये लग रही है और बहुत ही अच्छे से खुशबू भी आ रही है। अब दाल मखनी है तो दाल मखनी में मक्खन तो जाएगा ही, और हमने यहाँ पे मक्खन ले लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ज़्यादा ऐड करने से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आपने मक्खन थोड़ा ज़्यादा ही इसमें ऐड करना है। देखिए इस तरह से हमने इसे पकाते रहना है, कंटिन्यूसली हमने इसे चलाना है और बस इसे हम पकाते रहेंगे। अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, मज़ेदार सी हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर बस चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम डिस आउट कर लेंगे एक प्याले में। कितनी झटपट और कितनी आसान रेसिपी है ये, जितनी जल्दी बनकर तैयार होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। अब थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी गार्निश कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। मक्खन रख देंगे, जब भी आप इसे सर्व करें इस पे मक्खन के साथ ही आप इसे इंजॉय करें, तभी दाल मखनी का रियल टेस्ट आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।